हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीताज क्रिएटिव वर्ल्ड। आई एम सुनीता रावत, क्रिएटिव डिजाइनर एंड डीआईवाई स्पेशलिस्ट। ऑन माय चैनल यू कैन वॉच ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी टू मेक वॉल डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ, और ये बहुत ही सुंदर लगती है और इसे आप घर के किसी भी कोने पे लगा के दीवार को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये आइडिया पसंद आएगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वॉल डेकोर रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें एक राउंड कार्डबोर्ड लेना है, कुछ टिश्यू पेपर और पानी और फेविकॉल का मिश्रण, और इसे हमें कार्डबोर्ड पे अप्लाई करना है और उसके बाद में हमें टिश्यू पेपर से इसे कवर कर लेना है। तो हमें करीबन 2 शीट्स की टिश्यू पेपर लगा देना है और उसे सूखने देना है। जब ये सूख जाए उसके ऊपर हमें स्केच ड्रॉ करना है। आप जो भी स्केच बनाना चाहते हैं उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिक लाइन। यहाँ पे मैं एक फ्लावर पॉट बनाने वाली हूँ, सो मैंने वहाँ सबसे पहले पॉट को ड्रॉ कर लिया है और उसको हमें डोम शेप देना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। आप थोड़े से फॉइल पेपर को मोड़ के इस तरह से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि इस पर डोम शेप दिखाई दे। सो इसे हमने फेविकोल से चिपका दिया है और साथ ही ऊपर के कॉर्नर को भी हम हाईलाइट करने के लिए इस तरह से राउंड फॉइल पेपर को स्टिक कर लेंगे। और अब हम लेंगे फेविक्रिल का मॉडलिंग क्ले, और इसमें आपको इस टाइप के 2 क्ले मिलेंगे जिसे आपको सेम क्वांटिटी में इक्वली मिक्स करना होता है। और उसके बाद में आपको एक टेलकम पाउडर लेके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों हाथों से। आप कोई भी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इतने अच्छी तरीके से मिक्स करना चाहिए कि दोनों क्ले इक्वली मिक्स हो जाए। और उसके बाद में आपको इसे पतला सा बना के इसके ऊपर रैप कर लेना है, और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कटर से कट कर लेना है। अगर आपके पास में कटर ना हो तो आप टूथपिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं साइड कॉर्नर को कट करने के लिए। तो इस तरह से हमें क्ले को इसके ऊपर पे स्टिक कर लेना है और उसे उंगलियों से टैप करते हुए अच्छे से शेप देना है आपको इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा गमला रेडी हो गया है और अब हम बनाएंगे फ्लावर, और यहाँ पे मैं सनफ्लावर बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक राउंड क्ले लिया है और उसे आपको इस तरह से फ्लैट करना है ताकि हम फ्लावर के पेटल्स को शेप दे सकें। सो इस तरह से एक एक पेटल को आपको बनाना है और फेविकॉल की हेल्प से आपको एक राउंड के अंदर इसे स्टिक करना है। तो इस तरह आपको पूरे पेटल्स को इसके ऊपर स्टिक करना है 1 बाय 1। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको इसमें टेक्सचर देने के लिए इस तरह से कटर का इस्तेमाल करना है और इस पर इस तरह से लाइनिंग खींचनी है ताकि जो पेटल्स की टेक्सचर है वो ठीक से दिखाई दे। तो इस तरह से आपको सारा फ्लावर रेडी करना है, और यहाँ पे मैंने फ्लावर का एक लेयर रेडी कर लिया है और उसके ऊपर दूसरा लेयर स्टिक करने के लिए उसी तरह हमें पेटल्स को शेप देना है और स्टिक करना है। उसके बाद में आपको सेंटर में भी इसी तरह से क्ले को फ्लैट करके इस तरह से स्टिक कर लेना है, और उसके बाद में कटर की हेल्प से आपको इसके साइड कॉर्नर को टेक्सचर देना है, और सेंटर में भी उसी तरह से टेक्सचर देने के लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप पेंसिल या फिर पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको टेक्सचर सेंटर का टेक्सचर देने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सनफ्लावर रेडी हो गया है, और फ्रेंड्स इसी तरह हम लीफ भी रेडी करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले आपको एक फ्लैट क्ले रेडी करना है और उसके ऊपर आपको कटर की हेल्प से लीफ को कट करना है इस तरह से। आप जो भी शेप्स के लीफ को कट करना चाहते हैं इसी तरह से करना है आपको, और उसके ऊपर टेक्सचर के लिए भी आपको कटर का इस्तेमाल ही करना है और आपको ध्यान से करना है इसे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कटर की हेल्प से इसे अच्छे से कट करके आराम से उठाना है और आपको कार्डबोर्ड के ऊपर इसे स्टिक कर लेना है, और फेविकॉल का इस्तेमाल करते हुए इसे हम स्टिक कर लेंगे। साथ ही इसके साइड कॉर्नर को आपको टूथपिक का इस्तेमाल करके हमें उसके साइड कॉर्नर को वेविनेस का शेप देना है, और बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको उसको उठा के उस तरह से शेप दे देना है। और इसी तरह हम बाकी के लीफ को भी कार्डबोर्ड पे स्टिक कर लेंगे, और उसको भी स्टिक करने के लिए आपको फेविकॉल का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, और उसके बाद में उंगलियों या फिर आप टूथपिक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आपको लीफ को शेप दे देना है, और इसी तरह हम सारे फ्लावर्स और लीफ को बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बेसिक क्ले का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है और अब हम इसे कलर करेंगे। सो फ्रेंड्स, कलर करने के लिए हमें सबसे पहले एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करना है जिसे हमें बेस पे लगाना है, और यहाँ पे सबसे पहले हम बैकग्राउंड को वाइट कलर से
फुल कलर कर लेंगे और उसके बाद में हमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हुए लीफ को कलर कर लेना है। आपको सारे लीफ को ग्रीन कलर कर लेना है और ये भी मैं एक्रेलिक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद में हम पॉट को कलर करेंगे पिंक कलर। यहाँ पे मैंने डार्क पिंक का इस्तेमाल किया है, आप जो भी कलर करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम सनफ्लावर को येलो शेड देंगे और सबसे पहले आपको उसके बेस पे येलो कलर शेड देना है और येलो होने के बाद में आपको ऑरेंज कलर से इस तरह से आपको इसे हाईलाइट करना है और इसे स्ट्रोक देना है धीरे धीरे, आपको फुल येलो नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ब्राइट येलो का इस्तेमाल करते हुए इसके राउंड में मार देना है और उसके बाद में आपको सेंटर पे थोड़ा सा ब्राउन कलर यूज़ करना है बॉर्डर पे और सेंटर में आपको ब्लैक एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करना है। ये सारे कलर एक्रेलिक में यूज़ कर रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फुल वॉल डेकोर कलर हो गया है और अब हम इसे पूरी तरह सूखने देंगे। जब कलर पूरा सूख जाए उसके बाद में आपको 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल करते हुए पॉट को हाईलाइट करते हुए इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ये 3D आउटलाइनर से इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिल्वर 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टी कलर इसमें मिल जाते हैं। सो इस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे और जब ये डिज़ाइंस हो जाए तो इसे सूखने के लिए देना है आपको। और इसे सूखने को थोड़ा टाइम लगता है 3D आउटलाइनर को, करीबन आपको 1 से 2 घंटा इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और जब ये कम्प्लीटली सूख जाए तब हम इसके ऊपर इसके बैकग्राउंड को हाईलाइट करने के लिए कलर करेंगे। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है और सूख भी गया है। उसके बाद में आपको गोल्डन कलर से इस तरह से इसके टेक्सचर को हाईलाइट करने के लिए हाथों से कलर लगा लेना है। आप ब्रश या फिर आप स्पंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये अब हमारा वॉल डेकोर रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और सारे कलर भी बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। और अब इसके बैकग्राउंड में हम यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैंने जूट थ्रेड का इस्तेमाल किया है। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उस तरह से बना के इसे हैंगिंग करने के लिए थ्रेड को चिपका सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा अब वॉल डेकोर बिल्कुल रेडी है और फ्रेंड्स इसके ऊपर आप वॉर्निश भी अप्लाई कर सकते हैं। वन से ये फिनिश हो जाए, सब सूख जाए, उसके बाद में आप एक कोटिंग वॉर्निश भी लगा सकते हैं, बिकॉज वॉर्निश इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आती है एंड प्लस इसमें मॉइस्चर लगने का टेंशन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो वॉल डेकोर है बहुत ही सुंदर से रेडी हो गई है और बहुत ही प्रीटी लग रही है। और फ्रेंड्स इसे आप किसी भी घर के वॉल पर स्टिक करके आप ब्यूटीफुली उसे डेकोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये डेकोरेशन आइडिया पसंद आई होगी। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलती रहे। साथ ही आपको इसके रिलेटिव कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे बहुत ही खुशी होगी उसके आंसर देने के लिए। सो बाय बाय।